चुनाव आ रहे हैं, वोट किसको दोगे? हम तो मोदी को याद है ना, अच्छे दिन के नाम पर तुमसे वोट ठगे थे मोदी ने, आए अच्छे दिन। हाँ कैसे? अरे भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, IIM, IITs, एम्स इतनी तेजी से बन रहे हैं, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया जा रहा है, और क्या होते हैं अच्छे दिन? मोदी तो डिक्टेटर बन गया है। हमारे अच्छे दिन आ गए और तुम्हारे बुरे दिन, तो मोदी डिक्टेटर? नहीं नहीं, इन्हीं डिक्टेटर तो लगेगा ही, क्योंकि अब तुम्हारे करप्शन पर एक्शन होने लगे हैं। हमने कौन सा करप्शन किया है? कौन सा? अरे पूछो कितने किए हैं? मुझे तो याद नहीं आ रहा। नेशनल हेराल्ड केस, पहले कंपनी में घाटा दिखाते हो, फिर उस कंपनी को लोन देते हो, फिर अपनी फर्जी कंपनी बनाकर पहले वाली कंपनी को खरीद लेते हो, वो भी रेत के भाव, और उसके साथ उसकी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी। माँ बेटे मालिक और CEO खड़गे जी, पब्लिक के पैसे को पर्सनल यूज में ले रहे हो। यार ये तो सब जानता है, लेकिन ये लोग हमारी पार्टी के नेता लेके जा रहे हैं। अभी गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा और रोहन गुप्ता को भी ले गए, क्योंकि तुम एंटी सनातन और परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हो। तो भाई साहब आपका वोट? अच्छा वोट, मेरी चप्पल किधर है? ओके ओके ओके, चल गया।